हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी खबर बताने वाला हूँ। दोस्तों, यह खबर 100% सही है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने फिटमेंट फैक्टर को लेकर के बहुत बड़ा निर्णय लिया है। दोस्तों, भारत सरकार ने फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने का निर्णय लिया है। अभी वर्तमान में फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, लेकिन यूनियन द्वारा इसको बढ़ाकर 3.68 की मांग उठ रही थी। यूनियन का यह मांग था कि जो फिटमेंट फैक्टर है उसको बढ़ाया जाए और जो भी केंद्रीय कर्मचारी हैं उनका जो बेसिक सैलरी है उनको बढ़ाया जाए। और दोस्तों, इस पर आप सुने होंगे कि जब पे कमीशन आया था उस टाइम इस पर बहुत हंगामा भी हुआ था बेसिक सैलरी को लेकर के, लेकिन सरकार ने बेसिक सैलरी को नहीं बढ़ाया था। लेकिन दोस्तों, अभी जैसे कि खबर आ रही है कि 26 जनवरी से पहले जो फिटमेंट फैक्टर 2.57% है उनको भारत सरकार बढ़ाकर 3.68 करने जा रही है। अगर दोस्तों फिटमेंट फैक्टर 3.68 अगर होता है तो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनकी बेसिक सैलरी जो अभी वर्तमान में 18,000 मिल रहा है वह बढ़कर 26,000 हो जाएगा। दोस्तों, आखिरी बार फिटमेंट फैक्टर पर निर्णय 2016 में हुआ था, जिससे कि सभी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 6,000 था उसको बढ़ा करके 18,000 कर दिया गया था। और दोस्तों, अगर इस बार फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी होती है, अगर फिटमेंट फैक्टर 3.68 होती है तो सभी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 26,000 होने की पूरी पूरी संभावना है। और दोस्तों, यह आशा यह है कि लगभग 26 जनवरी तक इस पर सरकार फैसला ले सकती है और फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर बेसिक सैलरी भी बढ़ा सकती है। दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर से ही बेसिक सैलरी का निर्धारण होता है। जितना अधिक फिटमेंट फैक्टर सरकार बढ़ाएगी उतना अधिक आपकी बेसिक सैलरी भी बढ़ेगी। दोस्तों, यह वीडियो में दी गई सूचना आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही आप हमें थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा। सपोर्ट करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और साथ में जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी कर्मचारियों को नमस्ते।